बहुत सुंदर जगह है। सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ल्यूटी बुग्याल। मैं हूँ इस वक्त रुद्रनाथ के ट्रैक पे। ये है day 2 ऑफ रुद्रनाथ ट्रैक। तो कल हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था सगर विलेज से, और ल्यूटी बुग्याल तक पहुँचने में हमें लगे 8 घंटे, जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का। और ये है जी ल्यूटी बुग्याल, और यहाँ पर हमारे रहने का ही इंतज़ाम था। तो वो टेंट्स हैं, एक टेंट में 10 लोग रुकते हैं, तो उस टेंट में हम रुके थे। तो हमारा ग्रुप है 18 लोगों का। और ये है जी वो किचन जहाँ पे हमने नाश्ता किया, ये आप देख रहे हैं, यहीं पे नाश्ता और डिनर यहीं पे होता है। और ये है जी वो रास्ता, हमें ये सारा पहाड़ क्रॉस करना होगा। इसके बाद अराउंड 10 किलोमीटर हमें और चलना है रुद्रनाथ टेंपल तक। यहाँ क्या इशू रहता है कि जो रहने का थोड़ा इशू रहता है, यहाँ पे रूम्स वगैरह नहीं मिलते, तो आपको गाइड के साथ पहले प्लान करना पड़ता है रूम्स के लिए, ताकि वो आपके लिए रूम्स यहाँ बुक कर सकें। तो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती रूम्स की, इसलिए ये थोड़ा इशू रहता है। अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ से। हमारी एक टीम के काफ़ी लोग जा चुके हैं, 5-6 लोग रह गए हैं, वो नाश्ता कर रहे हैं, फिर हम निकलेंगे। तो आज के सफ़र में क्या है कि जब हम कल आए थे, तो कल मैक्सिमम जगहों पे आपको वाटर सोर्सेस मिल रहे थे, पर अभी क्या होगा, अब जब जहाँ से चलेंगे तो 6 किलोमीटर के बाद ही एक आपको स्पॉट मिलेगा जहाँ पर आपको वाटर या खाने पीने की फैसिलिटी मिलेगी। तो वो आप देख पा रहे हैं, काफ़ी टफ है इस पूरे पहाड़ को चढ़ना, तो सांस फूल जाती है, बहुत स्टीप रहता है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आगे की जर्नी कैसी है। पर अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो day 1 की वीडियो ज़रूर देखें। ये चढ़ाई है शुरू की, ये तो इजी नहीं है, काफ़ी टफ है यहाँ पे, और लग रहा है जैसे ऑक्सीजन की कमी भी है यहाँ पे, तो सांस जल्दी फूल रही है। ये देखिए हमें वहाँ से आगे क्रॉस करना होगा इसको। यहाँ यूट्यूब गाल तक जियो, एयरटेल और वोडाफोन का नेटवर्क कहीं कहीं मिल जाता है, नेटवर्क इंटरनेट नहीं है पर कॉल पे बात हो जाती है, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन। आज अलीशा जल्दी थक गई, ऑक्सीजन लेवल कम है ना, अब करोगी व्लॉग? तू कैसी है? अब करोगी व्लॉग? मेरे तो सांस ही नहीं चल रही है, मैं व्लॉग कैसे करूंगी, बहुत मुश्किल से चल रही है, बहुत टफ है, नीचे से आए उतना टफ नहीं था, इधर और टफ लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कल की थकान की वजह से है, अदरवाइज इतना नहीं है, कल जैसा ही है, कल ज्यादा था, ये तो इतना नहीं है। अरे ऑक्सीजन लेवल कम हो रही, ठंडी लग रही है ना, मतलब ठंडा गर्म दोनों हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रही थी ठंडे में ज्यादा लोग थकते हैं। ये देखो ये ऐसे रास्ते हैं, इतना इजी भी नहीं है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बट हो जाता है। रुद्रनाथ की जो ट्रैक है, ये पंच केदार में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आ पाते। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे रहने की फैसिलिटी इजीली नहीं मिलती है, रात को सोने की, खाना मिल जाता है, सोने की फैसिलिटी मुश्किल से मिलती है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान करना पड़ता है, इसीलिए लोग नहीं आ पाते ज़्यादा। और ये टफेस्ट ट्रैक में से एक है, जो आप कहते हो इजी, मीडियम और टफ, ये टफ में से एक है, बट नज़ारे यहाँ से बहुत खूबसूरत हैं। सो ल्यूटी बुग्याल से हम करीब 1 किलोमीटर आ चुके हैं, और हमारे गाइड ने बताया था कि ल्यूटी बुग्याल से 6 किलोमीटर तक वाटर सोर्स नहीं मिलता है, शायद कोई नेचुरल सोर्स हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगा, बट आपको सफिशेंट पानी, एटलीस्ट पर पर्सन 2 लीटर पानी आपको साथ में लेके चलना है, इजी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए बार बार प्यास लगती है। अभी थोड़ी देर में हम पहाड़ को क्रॉस कर जाएंगे, और फिर वहाँ पे धूप मिलेगी हमें, अभी तो यहाँ पे ठंडा है, फिर धूप मिलेगी, गर्मी हो जाएगी।
यहाँ से अच्छे व्यू शुरू होते हैं। इधर सुंदर सा बुग्याल है यहाँ पे, और वो स्नो ग्लेशियर्स। हर हर महादेव। तो जो भैया पर्ची कटाते हैं नीचे से, वो यहाँ पे चेक होती है, फॉरेस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, ये चेक कर रहे हैं आपकी पर्ची को, तो उससे गुम्मत कीजिए अपने साथ रखिए। तो यहाँ पे टॉप पे आते यहाँ चेक होती है, ये छोटा सा मंदिर। जब तुम सीखो ना क्या कुछ ऐसे बहुत सुंदर सी व्यू है यहाँ से जाना हमने वहाँ से होते वहाँ ऊपर तक जाना है, फिर शायद कहीं क्रॉस करना होगा। अरे तो इतना मैं रेनकोट का वजन ढो के लेके आई हूँ, उसका कोई फायदा तो होना चाहिए। मत आना भाई अगर अच्छे नहीं रह रहे। नहीं नहीं आप आओ, लेकिन जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्टैमिना है तो ही आओ, नहीं तो मत आओ। लेकिन यहाँ के व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, आप आ सकते हो। जैसे कि यू कैन ट्राई, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर लोगे तो ही आओ, क्योंकि हमारे ग्रुप में दो कर लोगे। थोड़ा आपको नीचे से लगेगा कि नहीं कर पाएंगे, बट ड्यूटी बुग्याल से तो कर लोगे। लड़कियां डीमोटिवेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आओ यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। व्यू के लिए तो बिल्कुल मत आओ अगर नहीं हो पाए तो, बस व्यू का भी कोई फायदा नहीं होगा। व्यू तो बहुत अच्छे है वैसे, व्यू आपको हर जगह मिल जाएगी। नहीं ऐसा नहीं, लड़कियाँ डरा रही है बस, जरूर आओ यहाँ, थकान मिट जाएगी। हाँ चलो फिर चलो, देखो इतना इजी तो रास्ता, चलो यहाँ पे रास्ते कुछ ऐसे ही हैं, कभी थोड़ा ऊपर चढ़ना है आपको, कभी थोड़ा नीचे आना है, तो इतनी थकान नहीं है, तो काफ़ी रिलैक्स सा लग रहा है यहाँ पे। सेकंड डे की चढ़ाई कंपेरेटिव टू फर्स्ट डे टू लिट्टी बुग्याल ये इजी है, बस यहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है 4-5 किलोमीटर तक। तो यहाँ पितरदार तक तो थोड़ा चढ़ाई थी, पर आगे नहीं है, ये रास्ता जहाँ से हमने जाना है। बहुत सुंदर जगह है, आपकी सारी थकान मिट जाएगी यहाँ पे आके।
तो लिट्टी बुग्याल से जब आप निकलते हैं तो करीब 6-6.5 किलोमीटर के बाद पहला वाटर सोर्स आपको मिलता है, तो वहाँ से आप अपनी वाटर बॉडी रिफिल कर सकते हैं। ये बड़ा सा मेला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह, और वो है रास्ता रिद्रनाथ मंदिर तक जाने का, और वहाँ कहीं पास में ही वाटर सोर्स, तो वहाँ से आप अपनी बॉडी रिफिल कर सकते हो। तो यहाँ से मेक श्योर कि आप 2 लीटर कैरी करके आएँ, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई रहती है। बस ये लास्ट का 1.5 किलोमीटर के था जो रिलैक्सिंग था, आगे भी रिलैक्सिंग ही रहेगा थोड़ा सा, बाकी पता नहीं कैसा रहता है। मैं बाकी शेयर करूँगा आपके साथ सभी डिटेल, अभी तो आराम कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर में निकलूँगा। ट्रैक पे आए हुए हैं, यहाँ के व्यू तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन एक चीज से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई। इधर देख सकते हैं आप कांच की बोतलें, मैं थोड़ा नीचे गया हुआ था, व्यू नहीं एंजॉय करने के लिए मुझे और 2 बोतलें मिल गई। यार मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि कृपा करके यहाँ पे जो आप भगवान के पास आते हो तो ये सारी शराब वगैरह थोड़े से दूर रहो, इन सबको अवॉइड ही करो ट्रैक पे। अब हकी आपको रोक तो नहीं सकता आने से, पर प्लीज इनको अवॉइड करो। क्या हालत मचा रखी है बिल्कुल। तो यहाँ रुद्रनाथ के ट्रैक में ना वार्निंग्स लिखी है कि कूड़ा करकट ना फैलाएं, तो हम जितना हो सके इकट्ठा करके वापस अपने साथ ले जा रहे हैं। ये हमारा है भी नहीं वैसे, तो ये हमारा नहीं है, पर मेक श्योर आप कचरा ना ही फैलाएं। यहाँ पे हमें शराब की बोतलें भी मिली हैं, तो जो बहुत ही गलत बात है कि ऐसी जगहों पर आप शराब की बोतलें लेके आ रहे हो। और पॉलिथीन के जितने रैपर्स वगैरह जो कचरा में नजर आ रहे हैं हम उसे उठा रहे हैं, और कहीं जगह जो भी मिलेगी वहाँ हमें डिस्पोज करेंगे इसको। तो जो दस्त हमने इकट्ठा किया था वो डिस्पोज करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, और आप सबको भी रिक्वेस्ट है कि इसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, ऐसे रास्ते में ना फैलाएं। आप ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, तो यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव ले रखा है, वो यहाँ पे काफ़ी डस्ट वगैरह इकट्ठा करवाते हैं। तो ये हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर, जो भी ये सारी वीडियो देखते हैं तो कृपया यहाँ आते हैं, तो रुद्रनाथ इस ट्रैक को बिल्कुल गंदा मत कीजिए, अपना जो भी प्लास्टिक रैपर कुछ भी लाते हैं अपने साथ ही वापस ले जाएं, प्रकृति की सुंदरता को खराब न करें, और शराब का नशा ना ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ महादेव के दर्शन करने आए हैं तो उनके ही दर्शन किया जाए, और हम लोग भी रुद्रनाथ से इतने सारे कट्टे भर भर के लाए हैं, और इसीलिए इनका भी थोड़ा हेल्प कीजिए, इनका भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा, इनका भी काम आसान हो जाएगा अगर थोड़ा सा आप लोग खुद ये हो। थैंक यू सर। तो वो है ये बाबा का मंदिर, बस करीब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अराउंड 1 किलोमीटर होगा। 1 बज गया, 7 बजे शुरू किया था, अभी करीब 1.5 घंटा और लगेगा मंदिर तक पहुंचने में, करीब 1 किलोमीटर है, पर काफ़ी थका देने वाली चढ़ाई है ये, काफ़ी थक गए हम यहाँ पे। तो मंदिर से थोड़ा ही पहले कि 100 मीटर पहले वहाँ पे
हमारे रहने खाने का इंतजाम किया है हमारे गाइड ने। अगर आप भी आते हैं तो टाइमली आइए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं मिलती है सोने की। वैसे वहाँ चार्जेस लेते हैं 500 पर पर्सन नाइट स्टे का और 200 खाने का, तो 700 रुपीज़ में होता है इंक्लूडिंग फूड। अगर आप लेट आ भी जाएं तो वहाँ धर्मशाला, वहाँ थोड़ा सस्ता हो जाता है शायद, वहाँ भी मिल जाती है जगह। तो अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, मंदिर खुल गया अभी और शाम को 7:30 बजे आरती है, तो वो भी मैं अटेंड करूँगा। देखते हैं कहाँ तक फोटोग्राफी करना अलाउड है, वहाँ तक मैं फोटोग्राफी करूँगा और बाकी कैमरा ऑफ कर दूँगा मैं। चलिए पास जाके दिखाता हूँ। तो ये रुद्रनाथ मंदिर, तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं है, इसके आगे मैं वीडियोग्राफी नहीं करूँगा, वो सामने मंदिर है। तो दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। यह वो धर्मशाला जहाँ पे आपको रहने को जगह मिल जाती है, कंबल वगैरह हो तो मिल जाते हैं। तो ऐसे धर्मशाला वहाँ बनी है, यहाँ बनी है, यहाँ पे सब जगह, अगर आप टाइमली पहुँच जाते हो तो आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो ये भी मैं जा रहा हूँ सरस्वती कुंड के लिए, जिसका रास्ता मंदिर के पास से ही है। मेरे साथ जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं आज। ये रास्ता है जी मंदिर के लिए और ये कच्चा रास्ता सरस्वती कुंड के लिए, थोड़ा दूर है। वो है जी मंदिर ऊपर, ये है जी मंदिर और ये इसके बगल में से ही रास्ता जा रहा है। तो टेंट में रूम तो हमें मिल गए थे, थोड़ा रेस्ट भी हो गया, मंदिर में दर्शन भी हो गए। अब शाम की आरती के लिए मंदिर में दोबारा आएंगे और सुबह निकलेंगे हम वापसी के लिए। ये कच्चा रास्ता है सरस्वती कुंड तक जाने के लिए। तो ये कुंड काफ़ी पूजनीय जगह है, जूते चप्पल लेकर इसके आसपास जाना अलाउड नहीं है। और तो जैसा कि मैंने बताया कि रुद्रनाथ में ऐसे ही जो रहने की फैसिलिटी है, खाने की फैसिलिटी सब हैं, अगर आप टाइमली आते हैं तो रूम्स मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नहीं तो हो ही जाता है। तो सेकंड डे में इतना ही, तो जहाँ अगर आप आते हैं तो टाइमली आइए, अगर आपको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने की फैसिलिटी यहाँ पे है, अगर आप थोड़ा लेट भी पहुँचते हैं तो भी कोई ना कोई रेंज यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे 100 से 150 लोग होते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए या तो प्राइवेट में कैंप्स आपको मिल जाएंगे नहीं तो मंदिर की धर्मशाला में। चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।